सीमेंट बहुत होगी ना, 5 किलो सीमेंट ले लेंगे, एक या शीट भी ले लेंगे, नीचे डाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी हमारे सीमेंट लेनी है और ये शीट लेनी है वाटरप्रूफिंग के लिए। कल जो हमने फाउंटेन के लिए ईंटें वगैरह ली थी उसके लिए सीमेंट लेना आए हैं। आज हम बना लेंगे, सारा फाउंटेन कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फाउंटेन भी कम्प्लीट करते हैं, फिशेज भी उसमें छोड़ देंगे। तो सीमेंट लेते हैं और शीट लेते हैं और जाते हैं डायरेक्ट घर। फाइनली घर पहुंच गए, शॉपर फाड़ दिया, अच्छा के बाहर नहीं फटा बाइक पे, शॉपर ले आया। हम ऊपर से रात का टाइम बंद कर देते हैं, इनको सुबह मैंने फीड दी थी और पानी बहुत जल्दी गंदा कर देते हैं। ज्यादातर ये गोल्ड फिश बहुत जल्दी पानी गंदा कर देती है। पहले सारा सामान हमने छत पे पहुंचाना है क्योंकि हम फाउंटेन छत पे बनाएंगे। बिस्मिल्लाह करो। मैं तो एक चीज ये पकड़ा, अच्छा मैं उठा सर, जल्दी करो सारा। अभी ये ऊपर ले जाते हैं, कुछ रह गई, कुछ मैंने कल पहुँचाई थी। तीसरी मंजिल पे ईंटे पहुँचानी थी। एक ईंट इसने उठाई है, कहता थक गई हूँ। ये सारी ईंटें, वो सारी ईंटें, सारी मैंने पहुंचाई हैं यार। इधर ईंटों की अभी तराई उमर कर रहे हैं, पानी इनको 2 मिनट हमने देना है। यार मैं तो अभी से थक गया हूँ, ये बोरी भी चढ़ाई है, ईंटें भी चढ़ाई हैं, तीसरी मंजिल पे, और अभी से हालत खराब होने लगी है। और खैर से धूप भी निकल आई है। तो मुझसे इतना काम मत कराओ, इसको मैंने खाली वाइपर लेने और शीट लेने भेजा था। सबसे पहले जगह को पूरा साफ करते हैं, यहाँ पानी डाल के साफ करते हैं जगह को सारा। ये जगह तो पूरी हमने सुखा दी थी, अब ये शीट हम लाए हुए थे वाटरप्रूफ शीट, ये नीचे डालेंगे, इसके ऊपर सीमेंट की एक लेयर बनाएंगे और फिर इसी पे दीवार लगाएंगे। खोलना शीट, खोल वहां से पूरी, मतलब यहाँ तक जहाँ से हमने दीवार लगानी है। डबल, ये डबल है, इसको डबल ही रहने दे। अभी हम इसमें मसाला बनाते हैं, रेत और सीमेंट मिक्स करनी है। इसके 3 डालो रेत के और सीमेंट के 1 डालो। यार आज फुल मजदूरों वाला सीन है, ये भी हम लेकर आए थे। शॉप वाला मैं कह रहा था क्या कर रहा आज मजदूर बने, हमने कहा यार ये भी दे दो मजदूरी, आज थोड़ी सी एक दीवार लगानी है। तो यहाँ पे हमारे पास सीमेंट बन गई है, हल्की हमने बनाई है क्योंकि हमने जमीन पर डालनी है। सीमेंट तो हमारे पास बन गई है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सारी बाल्टी इधर गिरा दो, सारी पीछे हो जाओ, गिरा दे गिरा दे गिरा। तो यार ये अभी हमने और भी बनाया, फुल बाल्टी इधर गिरा दो सारी, सारा अच्छे से मिक्स कर दो सारे। यहाँ पे पहले हम एक लेयर बनाएंगे, फिर यहाँ से बॉर्डर हम स्टार्ट करेंगे ईंटों का। काफी मजे वाला काम है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसा काम नहीं किया, दीवार लगाना सीमेंट या रेत। ओए होए होए क्या किया, देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस निकलता है इसका। यार फाइनली मसाले की लेयर हमने लगा, यार ये मसाला हमने बना लिया सीमेंट का। अब पता नहीं कैसे बनाया, हमने हाथों से बनाया मसाला। तो अभी पहली इंट लगाते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, फर्स्ट टाइम में कोई हाथों से लगा। उधर नीचे जमीन पे भी थोड़ी डाल, हाथों से लगा लिया। पहली बार मजदूरी देख रहे हैं जो हाथों से हो रही है। हाथों से हमने मसाला लगा दिया इंट को, और हर चीज का अपना सामान होता है। तो मसाला लग गया, बस हमारी फाउंटेन की बुनियाद पड़ गई है। पहली इंट हमने लगा दी है फाउंटेन की, तो अभी इस पे ला करते और आगे आगे लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बेस तो हमने लगा लिया, फर्स्ट वॉल हमने लगा लिया, बाकी जो एक और लेयर इसके ऊपर आएगी और एक और लेयर इसके ऊपर आएगी। आसान काम है, मुश्किल काम है यार। अभी नमाज का टाइम है, खाना वगैरह खाते हैं, इस काम को फिर आकर बाकी कम्प्लीट करता। आज इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगा और आज शाम को हम फिशेस छोड़ेंगे, शाम तक देखते हैं, अगर ये मुकम्मल सूख गया ना इसमें पानी में डालेंगे, फिशेस भी छोड़ देंगे। तो यार अभी 2:30 बज चुके हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया और अभी हम दोबारा छत पे आए हैं दोबारा से काम स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे उमर लगा हुआ है, एक लेयर खाना क्यों नहीं खिलाया तुमने, फिर काम कौन सा किया अगर तुमने खाना नहीं खाया तो। पकड़ा गया, अच्छा ये मजबूत हो गई है, अच्छा ये हल्की हल्की जो है इसने पकड़ ले ली है। और ऊपर जो है अभी यहाँ से हमने एक और लेयर लगानी है और धूप भी अच्छी खासी निकल रही है। तो 1 घंटे तक हमारा फाउंटेन रेडी हो जाएगा, उसके बाद इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। क्या और फिशेस भी लेकर आएंगे शाम के टाइम, फिर इसको तराई करेंगे, पानी डालेंगे फुल भर कर और फिर और फिशेज भी लाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बेचारी छोटी छोटी फिशेज हैं वो तो नजर ही नहीं आएंगी इसमें। हमारे पास सीमेंट थोड़ी सी कम हो गई थी तो अभी हम सीमेंट लेकर आए हैं और बाकी इसको पलस्तर करते हैं। इसमें हमने सोचा था 3 लेयर्स बनाएंगे लेकिन अभी 2 हमने बनाई है तो काफी ज्यादा हाइट हमें लग रही है, बाकी एक और लेयर लगाने की जरूरत नहीं है। 3 ये 2 बहुत है ना यार, मेरे ख्याल से 2 बहुत है क्योंकि काफी ज्यादा स्पेस, हाँ कम हुई तो इंशाल्लाह बना लेंगे, काफी ज्यादा स्पेस है तो इंशाल्लाह जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। A few moments later. Guys, finally हमारे फाउंटेन का काम हो गया कंप्लीट, अंदर से कंप्लीट प्लास्टर कर लिया
और काफी प्यारा लुक दे रहा है। पहले हमने वो इंटे लगाई हुई थी लेकिन पलस्तर हो गया तो काफी ज्यादा अंदर से अच्छे लग रहे हैं। एक मसला हो गया जो हमने अंदर ये डाली हुई थी इस पे पांव रखे थे टूट गया, तो उमर कह रहे इसको हटा ही देते, नीचे वाटरप्रूफ हीट है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बाहर से भी इस तरह का लुक दे रहा, बाहर से पलस्तर करने की हिम्मत नहीं हुई, उंगली पता नहीं क्यों कट गई है, यहाँ से भी कटी है, बैक साइड से भी कटी है और काफी ज्यादा उंगलियां भी जल रही हैं। फर्स्ट टाइम से रेत सीमेंट और इस टाइप के काम किए थे, अभी इस मुकम्मल जगह को साफ करते हैं, अंदर भी साफ करते हैं और फिर आपको मिलते हैं। 1 2 3 तो यार जगह सारी साफ हो गई है और खाली जितनी अंदर वो सीमेंट वगैरह है वो खाली हमने निकालनी है, बाकी माशाल्लाह माशाल्लाह काफी हाँ हाँ मैंने साफ किया। नीचे जाके ऐसी में लेट गया था, कहता बस काम नहीं होता और मैं अकेला लगा हुआ था, सारा उधर साफ सफाई की है। और यार ये अभी हम देख रहे थे कि ये अभी तक गीला है, ये अभी तक सूखा नहीं है, अब तक ये सूखता नहीं है, हम इसमें मछलियां नहीं छोड़ सकते, पानी नहीं छोड़ सकते, इसको एक दिन और छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कल इसको अभी उमर कह रहा था ये निकाल लेते हैं, सीमेंट निकाल लेते हैं, इसमें पत्थर सारे डाल देते हैं तो वो बहुत मजा करेगा। तो अभी जाते हैं पत्थर के पीछे जाते हैं और ये तो सुबह इंशाल्लाह इसको सुबह तराई करूंगा सुबह सुबह उठ के, और कल इंशाल्लाह पानी भी इसमें छोड़ देंगे और पत्थर ले आते हैं, वो सारी सेटिंग आज बराबर कर लेते हैं। जाने का मैं क्या, तो उमर बाइक लेकर पहले से ही खड़ा होता शॉप पे तो आए लेकिन स्टोन्स नहीं है, छोटे छोटे स्टोन्स ही पड़े, हमें चाहिए नहीं, अरे स्टोन्स तो नहीं मिले, दो तीन जगह हमने देखे तो अब क्या करें, छोटे नहीं लेते यार, छोटे पड़े हैं लेकिन छोटे नहीं लेने हमने। अभी पकार दी, अभी मिल गए पकार दी यार, ये पत्थर हमें नहीं मिल रहे थे, काफी दूर आना पड़ा, अभी इधर कवर कंदवा के पास एक है वहाँ से हमें ये पत्थर मिल गए, पर को इसमें भेज दिए तुम पहुंच जी जी, मैं बाइक पे आता हूँ क्योंकि बाइक पे हमने रखे थे, सारे पत्थर नीचे गिर रहे थे तो अभी रिक्शा करवाया। फाइनली गाइज हम पत्थर इधर ले आए हैं, उमर इनको साफ कर रहे क्योंकि इन पे अपनी वाइट कलर की कोई मिट्टी वगैरह सी लगी हुई थी, अगर ये डायरेक्ट पानी में डालें तो पानी सारा गंदा हो जाएगा, इनसे सारी मिट्टी वो वाइट जो झाग बन रही है सारी निकल जाएगी, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। जो यहाँ पे मुकम्मल सफाई करते हैं फिर इसमें पत्थर डालते हैं। मुदस्सर को भी मैंने अपने साथ लगाया, मैंने कहा शाम हो गई हमारा फाउंटेन अभी तक रेडी नहीं हुआ, इसकी खाली दीवार बनाई है, बेस हम पत्थर वगैरह डाल देंगे, कल इंशाल्लाह इसमें फाउंटेन बनाएंगे, जो मेन चीज है फाउंटेन की पानी ऊपर से गिर रहा होता है वो बनाएंगे प्रॉपर इसमें। सर अभी हम फाउंटेन को पूरा पत्थरों से भर रहे हैं, वे पत्थर गीले करने रखे थे, वहां से लाना काफी मुश्किल था, वाइपर की मदद से ला रहे हैं और डायरेक्ट फाउंटेन में गिरा रहे हैं। सर फाइनली ये काम हमारा आज का इतना कम्प्लीट हो चुका है इंशाल्लाह, क्योंकि अभी ये दीवार भी गीली है, इंशाल्लाह कल तक सूख भी जाएगी, पत्थर भी हम और लेंगे, कल इंशाल्लाह फाउंटेन कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो के इधर ही एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फाउंटेन के चक्कर में आज हम अपनी फिशेस को तो भूल ही गए, पानी इतना ज्यादा गंदे कर दिया, कल रात को मैंने साफ किया था, इनको फीड वगैरह तो डाल दो ना यार, ब्लॉग मैंने हैंड कर दिया लेकिन इसका भी याद है, फीड डाल दो यार, इनको डाल दो यार, ये शार्क नीचे रहती है, चूरा कर दो थोड़ा सा कि नीचे बैठ जाइए फीड जाके करते हैं। अभी पत्थर ले आए हैं, अभी इनको पानी से साफ करते हैं यार, पत्थर ले आए हैं तो यार और क्या कहूँ, पत्थर ले आए हैं बस, इनको अभी साफ करते हैं, फाइनली अभी पत्थर ले आए हैं, इनको अभी साफ करते हैं फिर फाउंटेन में डालते हैं जो प्यार यार, फाइनली अभी पत्थर ले आए हैं यार।